अभी मैं हूँ कुपवारा में, जो कि श्रीनगर से तकरीबन 90 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, और कुपवारा से मैं जा रही हूँ शारदा टेम्पल, जो तकरीबन यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे वाक़ है। आज करना से आप तक ऐसी स्टोरी पहुँचेगी जिसको हम कुछ लफ्ज़ों में इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ गोइंग टू रिपीट इट्सेल्फ। क्या है पूरी स्टोरी, इस पूरी जर्नी में हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी मैं हूँ शारदा टेम्पल के ठीक सामने, और मेरे साथ बैठे हैं रविंद्र पंडिता जी, जो कि है फाउंडर सेव शारदा कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए, और सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी, सभी देशवासियों को, खास तौर पे रियासतियों को जी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक जी। मुझे बताइए कि आज जो है यहाँ पे हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है, 75 ईयर्स के बाद दोबारा यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कोई मामूली वक्फा नहीं है। 75 साल के बाद उसी जगह पे, जिस जगह पे एक मंदिर और गुरुद्वारा हुआ करता था, जिसको जलाया गया पाक प्रॉक्सी वार में 1947 में, और उसके बाद उसी जमीन को यहाँ पे प्रिजर्व करके लोकल्स ने 2021 में हमें दिया। 2021 में हमारा आने का मतलब ये था कि जो हमारी सालाना यात्रा, हमारी शारदा पीठ जो उस तरफ ऑक्यूपाइड टेरिटरी में है, वहां पे जाने के हमारे 4 रूट थे। तो ये कुपवाड़ा से एक लिदरवन का रूट है, 17 किलोमीटर केरन से रूट है, 20 किलोमीटर एक यहाँ से ऑफिशियल रूट है छड़ी मुबारक का, जैसे अमरनाथ यात्रा में छड़ी मुबारक होता है, तो ये ऑफिशियल रूट है, और चौथा गुरेज तारबल से है। तो हम यहाँ जिस जगह पे बैठे हैं, पहले हम केरन गए, लिदरवन गए, तीसरी बार यहाँ पे आ गए, तो यहाँ जो इस्तकबाल, जो स्वागत, जो जोश और खरोश मकामी लोगों ने दिखाया, और आर्मी के कमांडर ने भी एक चैलेंज रखा कि आपकी यहाँ पे जमीन है, जबकि हमें मालूम नहीं था टीटवाल में कहाँ पे जमीन है। हमने ये सुना था यहाँ से यात्रा हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ एक कनेक्टिंग ब्रिज है, उस पार हमारा चिलाना है जो गांव है पीओके में, और इस पार ये टीटवाल है, बीच में एक लकड़ी का ब्रिज है, तो वहां से यात्रा जाती थी, और ठीक यहाँ से 75 से 80 किलोमीटर दूरी पे शारदा पीठ मेन वाक्य है। तो यहाँ का दीपावली का आज का बहुत ही महत्व है। 22 मार्च को जो उद्घाटन हुआ इस मंदिर का, उसी मंदिर और गुरुद्वारा जो दोबारा तामीर नौ हुआ, तो इस उद्घाटन के बाद पहली दीपावली है, तो सब लोगों को बहुत बधाई हो, हमने तो अपना काम कर दिया। पर दीपावली का यहाँ फिर चिरागा होना, वही रोशन होने, वही शम्मा 1947 में जो हुआ करते थे, हमें उम्मीद है कि उसी शम्मा को दोबारा रोशन करते हुए हम अपनी बात ना करें, बल्कि उस पार भी टोटल अमन की बात करें, रिलीजियस हार्मनी की बात करें, और उस कश्मीर को दोबारा उसी पटरी पे ले आए जो कश्मीर पहले इसके लिए बहुत ही फेमस था। देखिए अभी हम यहाँ बैठे हैं और वहाँ सामने पाकिस्तान है, और जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी, आपने बोला कि कुछ लोग वहां से भी यहाँ आने की अभी कोशिश कर रहे थे, मुबारकबाद देने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको अलाउ नहीं किया गया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने एक पेटिशन भी डाली थी कि रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी लोगों को यहाँ अलाउ किया जाना चाहिए। कि हमारी कमेटी और मेरा मानना पहले से ये, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये होएगा कॉन्फ्लिक्ट जोन में, कि दोनों तरफ से अगर हम मजहबी राहदारी खोले, हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दें, जिस पैटर्न पे करतारपुर जैसे चालू हुआ, तो 2019 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी थी,
अब अगर 2019 में मैं पहला कश्मीरी गया करतारपुर, तो पाकिस्तान ने मुझे क्लियर किया, इंडिया ने क्लियर किया, मैं करतारपुर के लिए गया। दो बार मैंने भी अपना फॉर्म अप्लाई किया है, LOC परमिट हमारे यहाँ लागू है, दोनों बार रिजेक्ट किया इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अफसोस होता है कि एक रियासती होने के नाते, जो अगर मैं UN रेजोल्यूशंस की भी बात करूं, UN रेजोल्यूशन 1948 चैप्टर 6 की भी, फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट, ताकि यहाँ तक जो LOC परमिट 2005 में हमारे लिए यहाँ पे जेंड के रेजिडेंट्स के लिए बन गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो हमारे दो तो वैसे ही कॉरिडोर हैं जो बस सर्विसेज है, उड़ी मुजफ्फराबाद वया इस्लामाबाद, दूसरा रूट हमारा है जम्मू संभाग में, वो है हमारा पुंछ रावला कोट चकंदा बाग इज द चेकिंग पॉइंट। तो यहाँ टीटवाल का भी तो हमारा रूट है जी, यहाँ पे यात्रा भी हो सकती है, और क्रॉस LOC जो जिन्होंने जाना भी है ट्रेड एंड ट्रेवल के लिए वो भी हो सकता है। तो इस चीज में एक अमेंडमेंट की जरूरत है कि लोग ना सिर्फ ये ढूंढे आपकी, जो आपने एक राइडर लगा रखा है, रिश्तेदार होना चाहिए। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वहां, 10 जिले जो ऑक्यूपाइड है उनमें 10 के 10 जिला में एक भी हिंदू नहीं है, 37 हमारी माइनॉरिटी श्राइन है। तो हमने ये पिटिशन पहले से कर रहे हैं 2006 से जो हमारी जदोजहद चल रही है, कि हमारा वहां पे शारदा पीठ और गुरुद्वारा अली बेग बिम्बर, हम वहां जाए और वहां के लोग यहाँ चरार शरीफ और हजरत बल आ जाए। तो इससे क्या होएगा कि इससे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। एक जो हमारा रिलीजियस राइट्स जो है ना, जो विशिएट हो रहे, वी हैव राइट टू रिलीजन, आई हैव अ राइट टू पिलग्रिमेज, बिकॉज मेरे जो है गुरु स्वामी नंदलाल कौल श्रीनगर के वही शारदा पीठ को चलाते थे 1948 तक, आई हैव अ राइट। एंड एज आई सेड ऑलवेज दैट कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में वर्ल्ड में इबादत एक दिन भी बंद नहीं हुई, तो यहाँ क्यों 1948 से बंद, क्योंकि ये कश्मीर है इसलिए। नो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स आर, देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स इन द वर्ल्ड, बट वी हैव टू सी हाउ वी कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग्स द मासेस। सो वो चीज जो राइट हमारा राइट रिलीजन आप वायलेट करें, उसमें अगर उधर के किसी मकामी बाशिंदे को हजरत बल में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए, क्यों नहीं पढ़ेगा वो वहां पे नमाज। 6 घंटे का कॉरिडोर है, 6 घंटे में अपनी टेरिटरी में वापस आ सकते। जिस तरह से मैंने देखा करतारपुर कॉरिडोर, क्योंकि उसके जितने भी वो पहले पहले शुरू में ड्राफ्ट्स बने, जितनी भी पॉइंट्स उसमें डाले गए, वो सब मैं भी उस पे वाच कड़ी नजर रखे था, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे तो बहुत आसान है, यहाँ कोई नया कॉरिडोर नहीं बनाना है, कोई पाकिस्तान ने 500 करोड़ लगाने, इंडिया ने 400 करोड़ लगाने, हमारे ऑलरेडी बस सर्विस है, बस एक अमेंडमेंट तरमीम की जरूरत है LOC परमिट रूल्स में, जिसमें आप ये इंक्लूड करें एटलीस्ट एनुअल और बाई एनुअल रिलीजियस पिलग्रिमेज, तो उससे एक बहुत बड़ा आपसी जो है तनाव भी कम होएगा और लोगों में भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जी। देखिए जब हम शारदा टेंपल की अभी बात कर रहे हैं, शारदा इन इटसेल्फ वाज अ सिविलाइजेशन और इनकी एक अलग स्क्रिप्ट भी थी, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। शारदा तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि यहाँ मंदिर पे हम बैठे हैं, उसको मंदिर ही ना समझे, शारदा इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। शारदा यूनिवर्सिटी का हमें फख्र होना चाहिए, हर एक रियासती को, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला से भी पुरानी। शारदा लिपि की आपने बात छेड़ी, तो वो एक फॉन्ट है, लिखने का एक तरीका है, तो वो फॉन्ट एक कंप्लीट फॉन्ट है, इसके जितने अल्फाबेट्स हैं देयर मोर देन 50 अल्फाबेट्स, तो इसमें लिखने का जो तर्ज था उसी से देवनागरी हिंदी संस्कृत गुरुमुखी तो अभी भी लिखी जाती है, तिब्बतियन अभी भी लिखी जाती है उसी फॉन्ट में। तो उस चीज को हमें भूलना नहीं है, उसको हमें रिवाइव करना है। पहाड़ी बेल्ट में भी जो रिसर्च हुआ है, खुसूसन जब हमने शाया की थी किताब राजा नजर बुनियारी की 2020 में, वो जो है उसका हुआ था पब्लिकेशन, एंड उसमें भी आप पढ़ें, उनसे भी आप जब कभी बात करें, तो पहाड़ी भी लिखी जाती थी शारदा लिपि में, और यहाँ तक कि नास्तलिक से पहले उर्दू भी लिखी जाती थी। यहाँ एक पूरे कश्मीर मंडला जो शारदा देश था कम्बोडिया से लेके ईरान तक, इसका एक अलग ही जो है इम्पोर्टेंस था इसकी, शारदा यूनिवर्सिटी का। यहाँ से बड़े बड़े सगीर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, नॉट ओनली दैट हिंदुइज्म का था, पहले बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी थी, बौद्ध लोगों का बौद्ध मत का भी क्लेम है, सम्राट अशोका पीरियड से 753 AD सम्राट ललितादित्य पीरियड तक तो बौद्ध बुद्धिज्म भी था ना यहाँ पे, तो वो भी क्लेम करते हैं। फिर बाद में हिंदू यूनिवर्सिटी थी,
आखिर पे 1948 तक स्वामी नंदलाल जी वहां इसको चलाते थे, हम उन्हीं के डाउन द लाइन लीनेज है। वी हैव ए राइट टू पिलग्रिमेज एंड वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग इन एन अमेंडमेंट इन द करंट एलओसी परमिट रूल्स टू इंक्लूड एनुअल pilgrimages both sides. It should be so. Our slogan is cross LOC heritage and religious tourism. Heritage sites भी बहुत है हमारी उधर, उस पर तहकीक करी जाए। यहाँ जो खाली मंदिर तक हम महदूद ना रहे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, हमने प्रपोजल भी दिया है अपनी तरफ से, शारदा मरकज बनाए, शारदा सेंटर, अल्टीमेटली शारदा यूनिवर्सिटी शुड भी दिया करने का बड़ा स्कोप है। तो यहाँ वो चीजें जब तक कायम नहीं होएंगी तब तक हम शारदा सिविलाइजेशन को बोलते ही जाएंगे, बोलते बोलते ये खत्म ही हो जाएगी, जो हमारी एक पहले से ही कश्मीरियों की सभ्यता है। जी मुझे बताएं कि ये जो टेंपल जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, मुस्लिम्स का क्या रोल रहा है इसमें? देखिए मुस्लिम्स का तो डायरेक्ट ही रोल है। देखिए आज की तारीख में भी यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, और आप देख रहे हैं कितना भव्य मंदिर है। पहली दीपावली मंदिर के उद्घाटन के बाद इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो ये देखना है हमने, ये खाली लोग लोग नहीं ढूंढने की यहाँ हिंदू ही हो, मुसलमान भी लोग हैं। इट्स ह्यूमैनिटेरियन इशू। हमारी वो जमीन जो 1947 की थी प्रिजर्व करके उन्हीं मकामी लोगों ने हमको यहाँ पे दी, उन्हीं मकामी लोगों ने ही ये कंस्ट्रक्ट भी किया। तो हमारी एक कमेटी जो कंस्ट्रक्शन में यहाँ इन्वॉल्व हुई, उसमें आप हमारे यहाँ साइन बोर्ड्स भी लगे हैं, सबको पता है। तीन मकामी मुस्लिम्स है, एजाज खान पर्टिकुलरली ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। एक हमसाया होने के नाते, एक अलग फेथ के होने के नाते भी अगर हम देखें, कोई इन्होंने बैर नहीं रखा। हमने ऐसे भी यहाँ पत्थर उठाए जिसमें कुछ लोग सामने से या अली करके, हम पीछे से जय माता दी करके ये पत्थर और मंदिर तामीर किया। तो वो दैट इन इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल टू शो दैट सच मॉडल्स कैन बी मेड, सच थिंग्स कैन बी रिवाइव्ड involving civil society. We are very thankful to administration, particularly Indian Army, because this is a militarized zone. यहाँ पे allow करना ऐसी construction, 500 गज दूरी पे हम LOC से बैठे हैं, वो सब protocols भी maintain करने हैं। यहाँ कोई heavy machinery नहीं involved हुई, कोई cranes नहीं यहाँ इजाजत लेने की या ले आने की। तो किस तरह से हमने manually ये काम किया है यहाँ के local मजदूरों ने, एक मंदिर को बनाना है, गुरुद्वारा को बनाना, उसी कमेटी ने जो आल फेथ कमेटी है जिसमें तीन मुस्लिम एक सिख पांच हिंदूज है, इन्होंने। और हम सोच रहे हैं कि आगे यहाँ पे नजदीक में हम जमीन भी देख रहे हैं कि मस्जिद भी बनाई जाए, एक छोटी सिंबॉलिक, कि वो ये दर्शाएगा कि जैसे आर्मी में भी एक स्कीम है MMG की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तो वी शुड हैव इट ऑन सिमिलर लाइंस हियर टू शो इट टू द वर्ल्ड दैट मॉडल्स आर लाइक दिस बाय सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव। एज अ कश्मीरी व्हाट मैसेज वुड यू गिव आउट टू द पीपल हु आर वाचिंग यू करंटली? नहीं, एवरीबडी एज ए सिंपल मैसेज, कश्मीर इज अ लैंड ऑफ ऋषिज एंड सूफीज एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लॉस्ट हियर। वी हैव टू सी दैट जो कश्मीर पहले था वो कश्मीर जिस चीज के लिए मशहूर था, जिन ऋषि सूफीज के लिए, तो वो वापस वो सभ्यता ले आनी है। तो उसमें सबसे पुरानी हमारी तहजीब तो शारदा ही है, क्योंकि शारदा पीठ को हमें खुलवाने का यही बड़ा मेजर मकसद है। यहाँ से ये एपिसेंटर है नॉलेज का, ये इल्म का मरकज है। We have to rebuild because preservation of culture and heritage is the need of the hour. We have to see that our culture is preserved, our heritage is preserved. उसके लिए सबको काम करना चाहिए, मेरा यही मैसेज। One last question कि देखिए दिवाली का दिन है, जो लोग offices में होते हैं छुट्टी लेके घर चले जाते हैं, या आपको भी अभी अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, why did you choose to come here, celebrate Diwali with your Muslim brothers, Sikh brothers and not your family? देखिए डिस्पाइट बीइंग एबोरिजिन्स ऑफ कश्मीर, वी आर आउट, वी आर लिविंग इन एग्जाइल। तो ऐसे कई लोग एग्जाइल में, चाहे नौकरी के कारण, चाहे किसी को भगाया गया, कोई किसी और तरीके से बाहर चला गया घर से दूर। हम घर से दूर ही हैं अभी 33 साल से, पर मादरे वतन का जो वो मोहब्बत है, वो जज्बा है, वो नहीं हम बोल सकते। और हमारे ऊपर फर्ज आयद होता है जो हमारे हम उम्र लोग हैं, मैं सभी से इल्तिजा करूंगा कि डाउन द लाइन अगर नेक्स्ट प्रोजनी को, नेक्स्ट जनरेशन को हेरिटेज और कल्चर को चलाना है, इसको बचाना है, तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। डीटवाल का ये जगह खुसूसन जहाँ पे आज दिवाली मना रहे, ये कोई मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने कल्चर को बचा रहा हूँ, अपने हेरिटेज के लिए काम कर रहा हूँ। तो 12 दिन से मैं 13वां दिन है आज यहीं पे
मुस्तकिल बैठा हूँ, डेरा है मेरा यहाँ खोजा मोहला में, मैं लोगों के बीच रहता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कुल मिला के अगर हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा, ये हमारे ऊपर फर्ज आयद बनता है। और मैं बड़ा खुश हूँ आज दीपावली 75 साल के बाद इसी जगह पे मनाई जा रही है, जिस जहाँ एक समय पे वही शमा हुआ वही चिराग हुआ करता। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या पटाखे चलाने? मेरे साथ अभी यहाँ के लोकल एजाज अहमद खान हैं, इनसे बात करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि 75 इयर्स के बाद आज यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी बड़ा हमारे लिए खुशी का मकाम है, एलओसी टीटवाल पे 75 साल के बाद हमारी ये जो दिवाली मनाई जा रही है तो हमारे टीटवाल के पूरे लोगों के लिए खुशी का मकाम है, क्योंकि 1947 से पहले कबायली जब रेड हुआ हमारा मंदिर गुरुद्वारा सब ये कबायली रेड में ख़त्म हो गया था, तो 75 साल के बाद आज फिर से हमने मंदिर बनाया गुरुद्वारा बनाया यहाँ पे, और हम पहली दिवाली जो है 75 साल के बाद मनाने जा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका है सर। जी अभी जो लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे, जो नीचे मस्जिद है, पीछे गुरुद्वारा है और सामने मंदिर है, तो क्या मैसेज बाहर जाता है भाईचारे? देखिए हम एक नया भाईचारा कायम करना चाहते हैं, जैसे MMG मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा उसको लेके, तो हमने गुरुद्वारा भी बना लिया मंदिर भी बना लिया, अब हम आगे चल के मस्जिद बनाने वाले हैं, ताकि तीनों धर्म के तीनों मजहब के लोग इकट्ठा बैठ के यहाँ पे अपनी अपनी इबादत करें और इकट्ठा बैठें, तो जो हमारा ये सिलसिला 1947 से पहले था कि वो कुछ पार्टीशन के बाद कुछ ब्रेक आई फिर 90s के बाद, उस सबको हम ख़त्म करने चाहते हैं, और शुरुआत जो है हम टीटवाल से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो एक दूरियां हुई थी तो उसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो ये मैसेज हम टीटवाल से देना चाहते हैं। Thank you.